सोलन शहर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन शहर की सुंदरता पर अब ग्रहण लगता जा रहा है, क्योंकि शहर में सरकारी और निजी भूमि पर विज्ञापन पोस्टर ही नजर आ रहे हैं। शहर में प्रवेश करते ही चारों ओर लगे विज्ञापन सैलानियों का स्वागत करते नजर आते हैं। शहर में ज्यादातर विज्ञापन पोस्टर अवैध रूप से लगाए गए हैं, जो शहर की प्राकृतिक सौंदर्य को कम कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की उस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इन पोस्टरों और विज्ञापनों को लेकर सोलन व्यापार मंडल ने उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा और पोस्टरबाजों और विज्ञापनकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि सोलन को सुंदर बनाने के लिए व्यापार मंडल जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे, लेकिन सोलन में पोस्टर और विज्ञापन बहुत ज्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी भवनों और विभागों द्वारा लगाए गए साइन बोर्डों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सोलन अपनी सुंदरता छोड़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने उपायुक्त सोलन से आग्रह किया है कि वे इस पर उचित कार्रवाई करें, ताकि सोलन की सुंदरता को कोई नुकसान न पहुंचे। एक और सोलन व्यापार मंडल और हमारे बाजारों की सारी एसोसिएशंस सोलन शहर को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास कर रही है और उसमें जुटी हुई है। वहीं ये जो पोस्टरबाज हैं, ये बेतरबी से शहर में इस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं कि उन्होंने इधर के सरकारी जो पोस्टर हमारे बोर्ड हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे, उन पे भी पोस्टर लगा रहे हैं, दुकानों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं, जगह जगह शहर में पोस्टरों से गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ तक कि फोटो स्टेट पोस्टर जो 10 रुपये का आता है उसको लगाकर वो लाखों रुपये के रंग रोगन को बर्बाद कर रहे हैं। उसमें ना तो प्राइवेट वो बिल्डिंगों को छोड़ रहे हैं, ना सरकारी बिल्डिंगों को छोड़ रहे हैं। उसके संबंध में आज हमने DC सोलन को एक ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि इन पोस्टबाजों के ऊपर नकेल कसी जाए, ताकि शहर की सुंदरता बनी रहे।